हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ सॉफ्ट एंड टेस्टी दही बल्ले। दही बल्ले बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप धुली मूंग दाल, आधा कप धुली उड़द दाल, 1 कप दही, इमली की चटनी। इमली की चटनी बनाने के लिए आप मेरा वीडियो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम मूंग दाल और उड़द दाल को दोनों को अलग अलग धो के उन्हें 3-4 घंटे के लिए पानी से सोक करने के रख देंगे। 3-4 घंटे के बाद हमारी दाल पूरी अच्छे से सोक हो जाएगी। दाल सोक हो गई है, अब हम उड़द दाल को छलनी से छान के उसका पानी अलग कर देंगे। इसी तरीके से हम मूंग दाल का पानी छलनी से अलग कर देंगे। अब एक ब्लेंडर में हम मूंग दाल को डालेंगे और इसको हम ग्राइंड करेंगे और इसमें हम पानी बहुत थोड़ा सा डालेंगे। पानी हम बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि हमें इसको थोड़ा गाढ़ा ही पीसना है, बहुत पतला नहीं पीसेंगे हम इसे। देखिए मूंग दाल अब पिस गई है। अब इस मूंग दाल को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब उड़द दाल को हम ग्राइंडर में डालकर इसको भी ग्राइंड करेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इसको ग्राइंड करेंगे क्योंकि हमें ये भी गाढ़ी चाहिए है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं चाहिए हमें। अब उड़द दाल पिस गई है। इसको अब हम जिस बर्तन में हमने मूंग दाल निकाली है उसी में अब इसको हम ऐड कर देंगे और इस मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये मेरा मिक्सर ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए। अब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून ऑफ भुना हुआ जीरा ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस मिक्सर को थोड़ा थोड़ा करके हैंड मिक्सर की हेल्प से फेंटेंगे। तो एक बर्तन में हम थोड़ा सा मिक्सर निकालेंगे और फिर इसको हैंड मिक्सर से हम 3-4 मिनट तक अच्छे से फेंटेंगे। हम ये मिक्सर दही भल्ले का हाथ से भी फेंट सकते हैं लेकिन हाथों से मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है और टाइम भी बहुत लगता है, और हैंड मिक्सर से फेंटने से टाइम भी बहुत कम लगता है और दाल बहुत अच्छी फिट जाती है और हमारे भल्ले बहुत सॉफ्ट बनते हैं। हम हैंड मिक्सर से लो टू हाई स्पीड पर इस मिक्सर को फेंटेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट तक, और तब तक फेंटेंगे हमारी दाल बिल्कुल वाइट ना हो जाए। देखिए अभी तक ये येलो थी और अब ये बिल्कुल वाइट हो गई है। अब हमारा मिक्सर भल्ला बनाने के लिए रेडी है कि नहीं हम उसको भी पहले टेस्ट कर लेंगे ताकि हमारे भल्ले ख़राब ना हो। उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि हम एक कटोरी में पानी लें और उसमें ज़रा सा हम मिक्सर उसके अंदर डाल दें। अगर तो हमारी जो पकौड़ी है वो नहीं फैल रही है, इसका मतलब हमारा मिक्सर बिल्कुल रेडी है भल्ले बनाने के लिए। अब हम एक कढ़ाई को हाई हीट पर रखेंगे और जब हमारा तेल बिल्कुल गर्म हो जाए तब हम इसमें छोटे छोटे पकौड़ियाँ उतारेंगे। तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए भल्ले उतारने के लिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लो हीट पे भल्ले नहीं उतरते हैं, उसके लिए बिल्कुल तेज आंच चाहिए हमें। तो हाई हीट पर हम भल्ले उतारेंगे। इन भल्लों को हम गोल्डन ब्राउन तक होने देंगे, उसके बाद हम इनको एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे ताकि इनका जितना एक्स्ट्रा ऑयल है वो सब निकल जाए। हमारे भल्ले की पकौड़ी बनके तैयार हो गई हैं।
अब हम बनाएंगे भल्ला चाट। अब हम एक पैन में पानी रखेंगे, उसको हम हल्का गरम कर लेंगे। अब उसमें हम 1 tablespoon ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे और अब इसमें हमारे तैयार करी हुई जो पकौड़ियाँ हैं भल्ले की, वो हम इसमें सोख होने के लिए रख देंगे करीब 1 घंटे के लिए। जब तक हमारी पकौड़ियाँ सोख हो रही हैं, हम तब तक अपनी दही को फेंट के तैयार कर लेंगे। हम एक बाउल में दही को अच्छे से फेंट लेंगे। उसके अंदर हम 1 teaspoon ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेस्ट और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारे देखिए पकौड़ियाँ बिल्कुल सोख हो गई हैं, तो अब हम इनको हाथ से निचोड़ कर, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे निचोड़ेंगे ताकि हमारी पकौड़ी टूटे नहीं। तो इनको अच्छे से निचोड़ कर हम एक बाउल में निकाल लेंगे जिसमें भी हमें भल्ले बनाने हैं। अब हम इन पकौड़ियों के ऊपर दही डालेंगे और दही हम इन पे बहुत अच्छी क्वांटिटी में डालेंगे ताकि इसमें दही अच्छे से भल्ले के अंदर सोक हो जाए। अब ये देखिए बिल्कुल ये दही भल्ले अब रेडी हो रहे हैं। इनके ऊपर अब हम भुना हुआ जीरा डालेंगे। लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। हमारे ये दही भल्ले बिल्कुल तैयार हैं। अब दही भल्ला चाट खाने के लिए हम एक प्लेट में इन दही भल्लों को निकालेंगे। उसके ऊपर हम इमली की चटनी डालेंगे। आलू की भुजिया डालेंगे थोड़ी सी, और आप इसमें हरी चटनी भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसको अच्छे से डेकोरेट करेंगे और दही भल्ला चाट भी बिल्कुल रेडी है आपके लिए। और ये देखिए ये कितने सॉफ्ट बने हैं बिल्कुल, और बहुत टेस्टी भी बने हैं। तो फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए सॉफ्ट एंड टेस्टी दही भल्ले एंड दही भल्ला चाट।